महाभारत का युद्ध शुरू होने को था। देशभर के योद्धा या तो कौरवों के साथ थे या फिर पांडवों के। इसी बीच महाबली भीम के पौत्र बर्बरीक भी बढ़ रहे थे कुरुक्षेत्र की ओर। श्री कृष्ण को जैसे ही पता चला कि बर्बरीक रणभूमि की तरफ आ रहे हैं तो वह आशंका से गिर उठे। उन्हें डर था कि यह योद्धा कौरवों की सेना के साथ हो जाएगा। बर्बरीक का कौरवों की तरफ से लड़ना यानी पांडवों की हार। बेवजह भी नहीं था श्री कृष्ण का डर। अपने पिता घटोत्कच से ज्यादा मायावी और बलशाली थे बर्बरीक। कर्ण की तरह दानी, शक्ति स्वरूपों के अनन्य उपासक। इसी उपासना और गुरु विजय सिद्धसेन की कृपा से उन्हें मिला था अतुलित बल, इंद्रियों को वश में रखने का वरदान और हमेशा साथ रहने वाले तीन अचूक बाण। ये कोई साधारण बाण ना थे। इन्हें जिस भी लक्ष्य पर चलाया जाता उसका बेधा जाना तय था। लेकिन अपने दादा भीम का साथ छोड़कर बर्बरी क्यों लड़ते कौरवों की ओर से? तो जवाब है उनके गुरु की सी। गुरु ने कहा था कि युद्ध में हमेशा कमजोर का साथ देना, बस इसी को लेकर चिंता थी भगवान कृष्ण को। बर्बरीक जब पांडवों के खेमे में पहुंचे तो श्री कृष्ण ने बातों ही बातों में उनसे अपने दादा के पक्ष में युद्ध करने के बारे में पूछ लिया। इस पर बर्बरीक ने जवाब दिया कि वह अपने गुरु को वचन दे चुके हैं कि हमेशा कमजोर के साथ ही रहेंगे। इस युद्ध में भी जो हारता दिखेगा उसी के पाले में खड़े होकर वह युद्ध करने लगेंगे। साथ ही उन्होंने अपने तीन बाणों के गुण भी बताए। केवल दो बाण विशाल से विशाल सेना का खात्मा करने के लिए काफी थे। यह सुनना था कि पांडव खेमे में खलबली मच गई। उन्हें लगा कि अगर कौरव हारने लगे तो बर्बरी कौरवों की तरफ से युद्ध करने लगेंगे। श्री कृष्ण को भी इस बात का भान था। उन्हें पता था कि इस धर्म युद्ध में अधर्म की हार तय है, यानी कौरव पराजित होंगे। लेकिन जैसे ही बर्बरी कौरवों को पराजित होता देखेंगे तो अपने प्रण के मुताबिक उनकी ओर से युद्ध में उतर जाएंगे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वह अगर युद्ध ही न करे तो? इस पर बर्बरीक ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, वह योद्धा है और युद्ध तो करेंगे ही, गुरु को दिए वचन को भी निभाएंगे। इतना कहते हुए वह बाहर चले गए। पांडव खेमे में इसके बाद मंत्रणा हुई। तय हुआ कि श्री कृष्ण ही इस संकट से उबारने का हल तलाशे। श्री कृष्ण अगले रोज ब्राह्मण वेश में बर्बरीक के पास पहुंचे। तब वह ध्यान में लीन थे। उनके बगल में तीन बाण रखे थे। ब्राह्मण को देखकर बर्बरीक ध्यान मुद्रा से बाहर आए और चरणों में प्रणाम किया। ब्राह्मण ने पूछा, यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे होने का क्या कारण है और तुम कौन हो? बर्बरीक ने उन्हें अपना परिचय देते हुए बताया कि वह युद्ध करने आए हैं। ब्राह्मण ने इस पर कहा, तुम्हारे पास तो केवल तीन बाण है, इनके सहारे युद्ध कैसे करोगे? इस पर बर्बरीक ने उन बाणों के अमोघ होने की पूरी कहानी सुनाई। ब्राह्मण ने पीपल के पेड़ की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, मान लो यह पीपल का पेड़ एक विशाल सेना है और इसके सभी पत्ते एक एक सैनिक, कैसे तुम इन बाणों से उन्हें बेधोगे? इस पर बर्बरीक जैसे ही अपने बाणों का चमत्कार दिखाने के लिए धनुष उठाने को मुड़े, श्री कृष्ण ने पीपल का एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया। बर्बरीक ने अपने धनुष पर एक बाण चढ़ाया और पीपल के पेड़ की तरफ छोड़ दिया। सभी पत्तों पर निशान लग गए। इसके बाद जैसे ही उन्होंने दूसरा बाण छोड़ा, सभी पत्ते जमीन पर जा गिरे और तीर ब्राह्मण के पैर में जाकर लग गया। ब्राह्मण के पैर से खून रिश्ता देखकर बर्बरीक हैरान हो गए। उन्हें अंदाजा हो गया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, अन्यथा इनकी मौत हो गई होती। बर्बरीक ये सब सोच ही रहे थे कि ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे बाण अचूक और चमत्कृत करने वाले हैं, महाबली क्या इस ब्राह्मण को कुछ दान नहीं दोगे? बर्बरीक ने कहा, जरूर दूंगा, लेकिन आप मुझे अपने वास्तविक रूप में दर्शन दें। श्री कृष्ण ने जैसे ही अपना रूप दिखाया, बर्बरीक उनके पैरों पर गिर पड़े और बोले, भगवान जो मांगना हो मांगे। श्री कृष्ण ने उनका शीश मांग लिया। इस पर बर्बरीक ने कहा, लेकिन भगवान मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि इतना बड़ा युद्ध न तो कभी लड़ा गया और न ही लड़ा जाएगा, यह अवसर मुझसे मत छीनिए। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि धर से अलग होने के बाद भी शीश जीवित रहेगा, आंखें सब देख सकेंगी और कान सब सुन सकेंगे। ये सुनते ही बर्बरीक की इच्छा पूरी हो गई और उन्होंने तलवार से अपना शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। मधुसूदन ने बर्बरीक का कटा शीश कुरुक्षेत्र के पास की ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से उसने महाभारत का पूरा युद्ध देखा।
श्री कृष्ण को बर्बरीक अपना मार्गदर्शक मानते थे। वजह थी, जन्म के बाद जब घटोत्कच उन्हें लेकर द्वारका पहुंचे तो श्री कृष्ण ने ही उन्हें शक्ति स्वरूपों की उपासना के लिए महिसागर जाने को कहा था। बर्बरीक ने वहीं पर शक्ति स्वरूपों की उपासना की और गुरु विजय सिद्ध सेन की सिद्धि पूरी होने तक उनकी रक्षा की थी। इसी के प्रतिफल में वह अजय बन सके थे। महाभारत के युद्ध में जब पांडवों को विजय मिली तो उनमें श्रेय लेने की होड़ मच गई। युधिष्ठिर कृतज्ञ हो रहे थे वासुदेव के प्रति। वहीं भीम को लग रहा था कि उन्होंने ही धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारा है और इस वजह से युद्ध का परिणाम उनके पक्ष में आया। दूसरी ओर अर्जुन भी श्री कृष्ण के प्रति ही कृतज्ञ रहे। आखिरकार तय हुआ कि बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा है तो उन्हीं के पास चला जाए। बर्बरीक ने उनसे कहा, मैंने दो शत्रुओं के साथ केवल एक पुरुष को युद्ध करते देखा है। उनके बाईं ओर 5 मुख थे और 10 हाथ, जिनमें त्रिशूल आदि वह धारण किए थे। दाहिनी ओर एक मुख और 4 भुजाएं थी, जिनमें चक्र आदि अस्त्र शस्त्र थे। बाईं ओर उनके जटाएं थी और ललाट पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। अंग में भस्म लगी थी। दाहिनी ओर मस्तक पर मुकुट था, अंगों पर चंदन लगा था और कंठ में सुशोभित थी कौस्तुभ मणि। उस पुरुष को छोड़कर कौरव सेना का नाश करने वाले दूसरे किसी पुरुष को मैंने नहीं देखा। श्री कृष्ण ने इसके बाद बर्बरीक को कलयुग में उनके नाम यानी श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया और उनके शीश को रूपवती नदी में प्रवाहित कर दिया। यही बर्बरीक बने खाटू श्याम। माना जाता है कि कलयुग आने के कई साल बाद बर्बरीक का शीश एक नदी में पाया गया, जिसे राजस्थान के सीकर जिले में श्याम कुंड के पास दफना दिया गया। जिस जगह पर इसे दफनाया गया उस स्थान को खाटू नाम से जाना जाने लगा। कहते हैं कि जहां शीश दफनाया गया था उस जगह जब गाय जाती तो उनके थन से दूध रिसने लगता। जब स्थानीय ग्रामीणों ने उस जगह को खोदकर देखा तो उन्हें एक सिर मिला। ग्रामीणों ने सिर के बारे में पता लगाने के लिए उसे गांव के एक विद्वान ब्राह्मण को सौंप दिया। इसी बीच उस स्थान के राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न में खाटू श्याम ने दर्शन दिए और जहां उनका सिर मिला था वहां एक मंदिर बनाने की बात कही। राजा ने आदेश का पालन किया, मंदिर का निर्माण कराया और फाल्गुन शुक्ल एकादशी को खाटू श्याम की प्रतिमा स्थापित करवाई। तभी से यहाँ फाल्गुन में 12 दिन का मेला लगता है। चूंकि जहां सिर मिला उस जगह को खाटू नाम से जाना जाता था, इसलिए बर्बरीक को खाटू श्याम कहा जाने लगा। इस प्राचीन मंदिर पर आक्रांताओं ने कई बार हमला बोला, नुकसान पहुंचाया। बताते हैं कि सन 1720 में राजा भय सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। बर्बरीक और खाटू श्याम के अलावा उन्हें मोरबी नंदन, बाणधारी, शीशदानी, कलयुग अवतारी, लगतातार, मोरचरी धारक जैसे नामों से भी जाना जाता है। खाटू श्याम के मेले का आकर्षण यहाँ होने वाली मानव सेवा भी है। मान्यता है कि श्रद्धालुओं की सेवा से सारे मनोरथ पूरे होते हैं। मेले के दौरान निकलने वाली निशान यात्रा भी खूब प्रसिद्ध है। श्रद्धालु खाटू श्याम का पीला विशाल ध्वज और नारियल लेकर यात्रा पर निकलते हैं। निशान यात्रा में वे श्रद्धालु शामिल होते हैं जो खाटू श्याम से कोई मनोकामना पूरी होने की मन्नत लेकर आते हैं। राजस्थान के अलावा देश के कई हिस्सों में खाटू श्याम के मंदिर हैं। यही नहीं, नेपाल, पाकिस्तान, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी खाटू श्याम के प्रसिद्ध मंदिर हैं।